दोस्तों वेलकम दोस्तों अगले वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों मैं आपको अगले 3 से 4 मिनट के अंदर इस कोर्स के एडमिशन की तमाम डिटेल्स देने वाला हूँ। तो अगर आपने मन बना लिया है जामिया से एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होगी एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। कोई आपके मिलने वाला है उस तक भी आप प्लीज ये वीडियो जरूर पहुंचा दें ताकि उस तक भी टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, वो भी फॉर्म भर के इससे फायदा ले पाए और तैयारी करके जामिया में एडमिशन ले पाए। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों जामिया में कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में चलता है, इवनिंग में इसकी क्लासेस होंगी। अगर आपको उसका फॉर्म भरना है तो उसकी जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो 550 रुपए है और 550 रुपीज और 30 जून इसकी लास्ट डेट है, आप 30 जून तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दोस्तों 2 साल का होता है मास्टर, तो 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर यहाँ पर आप पढ़ाई इसमें करते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पर 40 है, 40 सीट्स आपको यहाँ मिलती है। दोस्तों इसका टेस्ट जो है इस बार 2021 में 16 अगस्त को दोस्तों फिक्स किया गया है। टाइमिंग है 2:30 से 4 बजे तक, फ्रॉम 2:30 to 4 PM इसका टेस्ट दोस्तों टाइम है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 से 2 नवंबर तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा, टेस्ट ले लिया 2 महीने तक रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसी बात नहीं होगी। 15 दिन के अंदर जामिया आपको इसका रिजल्ट दे देगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है। दोस्तों इसकी जो अगर आपने बैचलर किया है मतलब बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया है, चाहे वो आपने साइंस में किया है या वो आपने किया है मतलब इंजीनियरिंग में किया है, आपने मेडिसिन में किया है या आपने फार्मेसी में किया है और आपके मार्क्स थे 30%, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और एक पॉइंट और है, 10th क्लास में आपके मैथमेटिक्स भी जरूर होनी चाहिए, वहां भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस कोर्स के टोटली एलिजिबल हैं। दोस्तों इसकी फीस के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ये कोर्स सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में चलता है, तो हम जानते हैं सेल्फ फाइनेंस बोर्ड की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको इसकी फीस जो है 36,350 रुपीज ईयरली फीस जामिया को उसकी पे करना होगी, 36,350 रुपए। उसी मैंने आपको बताया तमाम मटेरियल जामिया एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। कोई डाउट है अगर अभी भी आपको तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां उसका जवाब दे दूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की और वीडियो आपकी भी लगातार मिलती रहे और आपकी नॉलेज में लगातार इजाफा होता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक